मोदी जी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? मोदी जी आज तो रहस्यमय कहानी सुनाओ जिसमें की रहस्य छिपा हो। ठीक है, मैं तुमको एक अद्भुत रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और उसका एक पुत्र था। राजा बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपने पुत्र को राजा बना दिया। पर राजा का पुत्र अभी 18 साल का ही था। राजकुमार ने अपनी पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं की थी, इसलिए वह गुरुदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक बार जब वह गुरुदेव की कुटिया की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी कुएं पर पानी भरती हुई दिखी। तो उस पनिहारी ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अपने गुरुदेव से क्रिया चरित्र की शिक्षा ग्रहण करना। राजकुमार ने कहा ठीक है। फिर वह राजकुमार गुरुदेव के पास गया और कहा गुरुदेव मुझे क्रिया चरित्र की शिक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा राजकुमार से कि तुम क्रिया चरित्र की शिक्षा ना ही लो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्रिया चरित्र तुम्हारी जान भी ले सकती है। लेकिन राजकुमार जिद करने लगा कि मुझे तो क्रिया चरित्र की शिक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने राजकुमार को क्रिया चरित्र की शिक्षा सिखा दी। इधर राजा ने अपने राजकुमार की दो शादी करवा दी, पर राजकुमार शिक्षा लेने के लिए अपने गुरुदेव के पास जाता रहता था। एक दिन गुरुदेव ने राजकुमार को एक जादुई कुंडल दिया और कहा कि आज रात को तुम इस कुंडल को पहनकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाना। जब तुम इस कुंडल को पहन लोगे तो तुम किसी को भी पहचान नहीं आओगे। मोदी जी, गुरुदेव ने राजकुमार को कुंडल पहनकर रात में जंगल में जाने के लिए क्यों कहा? अरे भैया, इसमें कोई राज की बात होगी। फिर क्या हुआ मोदी जी? फिर राजकुमार रात में कुंडल पहनकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में चला गया। तो राजकुमार ने देखा कि वही पनिहारी रात में भोजन की थाली लिए जंगल की ओर जा रही थी। तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पनिहारी जंगल में एक साधु की कुटिया पर पहुंची। राजकुमार भी चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। वह साधु बड़ा ही जादूगर था। साधु ने पनिहारी से कहा, आज तो तुम बहुत लेट आ रही हो। तो पनिहारी ने कहा, स्वामी मुझे अपने पति को सुलाने में देरी हो गई, इसीलिए लेट आई हूँ। फिर साधु ने कहा कि तुम हमसे ज्यादा प्रेम अपने पति से करती हो जो इतनी देर से आई हो। तो पनिहारी बोली, नहीं स्वामी, मैं तो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। फिर साधु ने कहा, ये लो चाकू और अपने पति का सर काट कर मेरे पास लाओ ताकि मुझे विश्वास हो सके। फिर पनिहारी वह चाकू लेकर अपने घर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट कर साधु के पास ले आई। तो साधु ने गुस्से से कहा, जा भाग जा यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। इधर पनिहारी फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, जिसके खातिर मैंने अपने पति को मार दिया वही मुझे धक्के मार कर भगा रहा है। फिर पनिहारी अपने पति का सर लेकर वापस घर आ गई और अपने पति का सर वापस चिपका दिया और सो गई। लेकिन ये सारी घटना राजकुमार ने देख ली। फिर सुबह होते ही पनिहारी सती बनकर अपने पति से लिपट कर रोने लगी कि हाय, मेरे पति को किसी ने रात में मार डाला, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। ऐसा कह के जोर जोर से रोने लगी। मोदी जी, पनिहारी तो बहुत ढोंग कर रही है, खुद ने पति को मार दिया है और आप पछता रही है। हाँ भैया, वह दिखावे के लिए रो रही थी कि गांव वाले समझे कि वह अपने पति से कितना प्रेम करती थी। फिर सभी गांव वाले लाश को जलाने के लिए जंगल में ले गए। तो पनिहारी ने कहा, मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। फिर वह भी अपने पति की चिता पर बैठ गई। लेकिन पनिहारी ने राजकुमार को देखा तो राजकुमार से कहा कि तुम मेरी एक बात जरूर याद रखना, जब भी तुम किसी चटाई पर बैठो तो उसे उठाकर झटकार लेना। फिर पनिहारी चिता में आग लगाकर सती हो गई। फिर इधर दूसरे दिन राजकुमार रात में कुंडल पहनकर जंगल में गया तो राजकुमार ने देखा कि उसकी दोनों पत्नियां भोजन लेकर साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मेरे में ऐसा क्या नहीं है जो मेरी पत्नियां साधु के पास जा रही है। इधर राजकुमार की पत्नियों ने राजकुमार को देख लिया लेकिन वे राजकुमार को पहचान नहीं पाई।
क्योंकि राजकुमार जादुई कुंडल पहना हुआ था। फिर उन पत्नियों ने कहा कि लड़के चलो हमारे साथ साधु के दर्शन कर लेना। फिर वे तीनों साधु की कुटिया पर गए तो राजकुमार की पत्नियों ने साधु से कहा कि स्वामी हमें एक राहगीर दिख गया था तो हम उसे यहाँ ले आई है। इधर साधु ने राजकुमार को पहचान लिया कि ये तो राजकुमार है, क्योंकि साधु तो जादूगर था। फिर साधु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ मेहमान को दूसरे कमरे में सुला दो। शिष्य ने राजकुमार को दूसरे कमरे में ले गया और एक चटाई के ऊपर सोने के लिए बोलकर वहां से चला गया। राजकुमार ने सोचा कि मैं मखमल के गद्दे पर सोने वाला, आज चटाई पर सोना पड़ेगा। फिर वह चटाई पर सोने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई कि चटाई को झटकार कर ही बैठना। तो राजकुमार ने चटाई को उठाई तो उसके नीचे एक गहरा कुआं था जिसमें काफी सारे लोग थे। उन सभी को साधुओं ने बंदी बनाकर रखा था, लेकिन वे लोग राजकुमार को पहचान गए और राजकुमार से कहा, राजा साहब आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये साधु तुमको भी इस कुएं में बंदी कर देगा। फिर वह राजकुमार वहाँ से भागकर राजमहल वापस आ गया। फिर साधु ने देखा कि राजकुमार भाग गया है तो साधु ने राजकुमार की पत्नियों से कहा, जो तुम्हारे साथ आया था वह राजकुमार था। तो राजकुमार की पत्नियां डर गई कि अब हमारा क्या होगा, अब राजकुमार हमको मार डालेगा। तो साधु ने कहा कि ये लो एक कील, यह कील तुम राजकुमार के सिर पर गाड़ देना जिससे वह एक भेड़ बन जाएगा और तुम उसे आसानी से मार देना। मोदी जी, साधु तो बड़ा ही सातिर दिमाग का है, उल्टे काम भी करता है और सजा भी दूसरों के हाथ ही दिलवाता है और वह स्वयं सांप बच जाता है। भैया यही तो होती है त्रिया चरित्र। लोगों ने कहावत गलत नहीं बनाई है कि औरत की बुद्धि एड़ी में आती है। हाँ भैया, फिर वे पत्नियां हिम्मत करके राजमहल में पहुंची तो राजकुमार ने उनसे कहा कि जाओ यहाँ से, इस महल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पर राजकुमार की पत्नियां रोने लगी, राजकुमार से माफी मांगने लगी और कहती है कि उस साधु ने हम पर जादू कर दिया था, इसलिए हम वशीभूत हो गए थे। उनकी ये बातें सुनकर राजकुमार को उन पर दया आ गई, क्योंकि राजकुमार को भी ये पता था कि साधु जादूगर है। फिर राजकुमार ने उन्हें माफ कर दिया। फिर शाम को राजकुमार की पत्नियों ने राजकुमार के लिए भोजन बनाया, राजकुमार को खिलाया पिलाया और जब राजकुमार रात में सो गया तो छोटी वाली पत्नी ने राजकुमार के सिर पर वह जादुई कील गाड़ दी तो राजकुमार भेड़िया बन गया। फिर वे दोनों पत्नियां राजकुमार को मारने के लिए दौड़ी, पर राजकुमार जो भेड़िया बन चुका था वह खिड़की से भागकर गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी पत्नियां मुझे मार डालेंगी। फिर गुरुदेव ने कहा, राजकुमार मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, पर तुम नहीं माने, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो राजकुमार ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आपका कर्तव्य है कि कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी आपको मदद करना चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ, तुम राजा धन्वंती के राज्य में चले जाओ और वहाँ पर तुम तोते के रूप में आराम से रहना, क्योंकि साधु का जादू धन्वंती राजा के राज्य में नहीं चलता, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ। फिर गुरुदेव ने राजकुमार को एक तोता बना दिया और वह तोता उड़कर राजा धन्वंती के राज्य में चला गया। वहाँ पर सभी तोतों को वह ज्ञान देता, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता तो वहाँ के तोतों ने उसे अपना राजा मान लिया और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करते थे। इधर वे राजकुमार की दोनों पत्नियां साधु के पास गई और कहा कि स्वामी, राजकुमार तो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है तो हम उसे कैसे मारेंगे। तो साधु ने अपने जादुई कांच में देखा कि राजकुमार एक तोता बनकर रह रहा है। साधु ने राजकुमार की पत्नियों से कहा कि राजकुमार राजा धन्वंती के राज्य में एक तोता बनकर रह रहा है तो तुम उस तोते को पकड़कर मार डालो। फिर राजकुमार की पत्नियों ने सभी शिकारियों से कहा कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। फिर सभी शिकारी तोते पकड़ कर लाते और 5 सोने की मुद्राएं ले जाते।
फिर राजकुमार की पत्नियां उन तोतों को मार देती। मोदी जी राजकुमार की पत्नियां सनका गई थी क्या, जो बेचारे बेजुबान तोतों की हत्याएं करने झुकी है। सनका क्या गई थी, वो तो बौखला गई थी। फिर एक दिन एक शिकारी धनवंती राजा के राज्य में पहुंचा। जिस पेड़ पर राजकुमार तोता रहता था, वह शिकारी उस पेड़ के पास गया। उस पेड़ पर 100 तोते बैठे थे। शिकारी ने सोचा कि मैं इन सारे तोतों को मैं पकड़ लूंगा तो मुझे काफी सारी मुद्राएं मिलेंगी, पर इनको पकड़े तो कैसे पकड़े। फिर उस शिकारी ने गोंद का इंतजाम किया और उस पूरे पेड़ पर गोंद लगा दिया। फिर वे तोते शाम को पेड़ पर रहने के लिए आए तो सारे तोते गोंद लगने के कारण चिपक गए। फिर वे सारे तोते उस राजकुमार तोते से बोले कि अब हम सारे तोते पकड़े जाएंगे, अब हम कैसे बचें। फिर उस राजकुमार तोते ने कहा, जब कोई भी हमें पकड़ने के लिए आए तो उस समय हम सारे तोते उल्टे लटक जाएंगे, जिससे कोई भी हमें पकड़ेगा तो उसे लगेगा कि हम मर चुके हैं। पर सब लोग अपनी गिनती कर लो कि हम कितने तोते हैं। तो सारे तोतों ने गिनती की तो वे सारे तोते 100 निकले। जब हमें कोई भी पकड़ने के लिए आएगा, जब वो हमें पकड़कर नीचे फेंकने लगेगा मरा हुआ जानकर, जब तक हम पूरे 100 तोते नीचे नहीं फेंक दिए जाएंगे तब तक कोई नहीं उड़ेगा। जब हम सारे 100 तोते नीचे गिर जाएंगे तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। फिर सारे तोतों ने कहा कि हाँ ऐसा ही करेंगे। इधर दूसरे दिन सुबह वह शिकारी तोतों को पकड़ने के लिए आया तो शिकारी ने देखा कि सारे तोते उल्टे लटक रहे हैं। लगता है कि सारे तोते मर गए, मेरी सोने की मुद्राएं पानी में चली गई। फिर वह शिकारी झाड़ पर चढ़ा और एक एक तोते को चप्पल चप्पल कर नीचे फेंकने लगा। उस शिकारी ने 99 तोतों को नीचे फेंक दिया। इसके बाद उस शिकारी के जेब से एक चाकू गिरा तो सभी तोतों ने सोचा कि हम पूरे 100 तोते गिर चुके हैं। फिर सारे तोते एक साथ उड़ गए, लेकिन राजकुमार तोता पेड़ पर ही रह गया। शिकारी ने देखा कि सारे तोते तो मुझे बेवकूफ बनाकर उड़ गए। फिर शिकारी ने उस राजकुमार तोते को पकड़ लिया। फिर शिकारी उस राजकुमार तोते को पकड़ कर ले आया। फिर राजकुमार तोते ने शिकारी से कहा कि भाई तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो शिकारी ने कहा कि मुझे 5 सोने की मुद्राएं मिलेंगी तो मैं तुम्हें रानियों के पास ले जा रहा हूँ। तो राजकुमार तोते ने कहा, अगर तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं मिले तो तुम मुझे बेचना चाहोगे। शिकारी बोला कि हाँ जरूर, मुझे तो पैसों से मतलब। फिर तोते ने कहा कि यहाँ पास के बाजार में तुम मुझे बेच देना, कोई भी पूछे कि तोते की कीमत क्या है तो तुम बोलना कि तोता खुद बताएगा। फिर वह शिकारी तोते को बेचने के लिए बाजार पहुंचा, पर कोई भी 1000 सोने की मुद्राएं में उस तोते को खरीद नहीं पाए। शाम हो गई, लेकिन राजा धनवंती का नियम था कि बाजार में किसी का भी कोई सामान नहीं बिकता था तो उसे राजा स्वयं खरीद लेते थे। फिर राजा शाम को बाजार पहुंचे और उस तोते के बारे में पूछा कि यह तोता कितने का है। तो शिकारी ने कहा कि महाराज, तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। फिर तोते ने राजा से कहा कि जो भी 1000 सोने की मुद्राएं देगा वही मुझे खरीद पाएगा। पर 1000 सोने की मुद्राएं ज्यादा थी, पर राजा नहीं खरीदता तो उसका नियम टूट जाता। इसलिए राजा ने 1000 सोने की मुद्राएं देकर तोते को खरीद लिया। फिर राजा ने तोते को राजमहल में ले आया। तोता राजमहल में राजा से अच्छी अच्छी बातें करता। राजा को भी अब वह तोता मन को भा गया। राजा ने उस तोते को अपनी पुत्री को दे दिया और कहा कि तुम ही इसकी देखभाल करना। फिर राजा की पुत्री यानी कि राजकुमारी तोते को नहलाती, खाना खिलाती और उससे बातें करती। एक दिन जब राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसको तोते के सिर पर एक कील दिखी। तो राजकुमारी ने उस कील को निकाल दी तो वह तोता राजकुमार बन गया। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो गई। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि तुम वो कील वापस मेरे सिर पर गाड़ दो, रात में वह कील निकालना, तब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। फिर राजकुमारी ने वापस वह कील सिर पर गाड़ दी। इसके बाद रात में राजकुमारी ने अपने कमरे में जाकर वह कील निकाली। फिर वह तोता राजकुमार बन गया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने बारे में सारी बात बता दी।
राजकुमारी ने उसकी बातें सुनी तो राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। फिर वह राजकुमारी रोजाना रात में राजकुमार से बातें करने लगी। इधर राजकुमार की पत्नियां परेशान हो चुकी थी, इसलिए वे पत्नियां साधु के पास पहुंची और कहा कि राजकुमार तो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर साधु ने अपने जादुई कांच में देखा कि राजकुमार राजा धनवंति के पास तोता बनकर रह रहा है। फिर साधु ने कहा कि हम राजा धनवंती के राज दरबार में जाएंगे, वहां पर नाचेंगे गाएंगे तो राजा खुश होकर हमें इनाम देगा, तो हम इनाम के तौर पर उस तोते को मांग लेंगे और उस तोते को मार डालेंगे, क्योंकि राजा को नाच देखना और गाने सुनने का बड़ा शौक है। मोदी जी, इधर साधु बाबा को भी न तो दिन में चैन है न रात में सुकून है। हाँ भैया, वो तो नहीं है। फिर साधु और राजकुमार की पत्नियां राजा के राज दरबार में पहुंचे, राजा को नाच और गाना सुनाया तो राजा साहब खुश हो गए। तो राजा साहब ने कहा, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो साधु ने उस तोते को इनाम के तौर पर मांगा, पर तोते ने राजकुमारी से कह दिया था कि कोई भी उसे मांगे तो वह उसे ना दे, अगर देने की नौबत आए तो वह पिंजरा बाहर फेंके, फिर मैं खुद संभाल लूंगा। फिर राजा वह तोता लेने के लिए राजकुमारी के पास आया तो राजकुमारी ने साफ मना कर दिया, लेकिन राजा ने जबरदस्ती तोते को छीनना चाहा तो राजकुमारी ने वह पिंजरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। इधर पिंजरा जैसे ही टूटा तो वह तोता एक बड़ा बाज बन गया और साधु को अपनी चोंच से मार मार कर मार डाला। फिर वह वापस तोता बन गया। इधर राजकुमारी ने अपने पिता राजा साहब को सारी बातें बता दी। फिर राजकुमारी ने तोते के सिर से वह कील निकाल दी तो वह तोता राजकुमार बन गया। फिर राजा धनवंती ने अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। इधर राजकुमार ने अपनी दोनों पत्नियों को कारागार में बंदी बना दिया। फिर राजकुमार हंसी खुशी रहने लगा। तो भैया, त्रिया चरित्र ऐसा होता है भैया, स्त्री के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। और भैया, कहानी खत्म। वाह मोदी जी, बड़ी ही रहस्यमय अद्भुत कहानी सुनाई, सुनकर मजा भी आया और अफसोस भी हुआ। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।